श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। श्री गुरुदेव का प्रभाव और उनकी उपस्थिति अपने आप में इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें प्रवचन करने या विशेष रूप से उपदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी भक्तों को सदैव आशा रहती थी कि श्री गुरुदेव से कुछ वचन सुने। वे यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि उनके प्रश्नों के समाधान में गुरुदेव क्या कहेंगे। उनके संतोष के लिए गुरुदेव कभी कभी कुछ बोलते थे। वे शुद्ध मन, शुद्ध भाव और भगवान में श्रद्धा पर जोर देते थे। श्री गुरुदेव की पवित्र वाणी से उच्चारित इन तीन आदेशों में ही उनका संपूर्ण उपदेश समाया हुआ है और इसमें समस्त शास्त्रों का सार भी निहित है। जो व्यक्ति इन उपदेशों को गुरु मंत्र समझकर उनका पालन करता है, वह इस संसार में अवश्य सुखी होगा और गुरु कृपा का पात्र बनेगा। प्राचीन काल में महर्षियों का कथन है कि सुख दुख, पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का मूल कारण मन है। जो अपने मन को सुवर्ण की भांति शुद्ध कर लेता है, वह सर्वोच्च कर्म कर रहा होता है। भारतीय परंपरा का सनातन तत्व ज्ञान 4 वेदों, 18 उपनिषदों, 21 अगमों, 32 स्मृतियों, रामायण, महाभारत के साथ साथ अन्य शास्त्रों में भी समाविष्ट है। उनमें बताया गया है कि सत्कर्म द्वारा मन की शुद्धि होती है। शुद्ध मन परमात्म ज्ञान की ओर ले जाता है और इस दिव्य ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए मन मूल रूप से महत्वपूर्ण है। मन मनुष्य के जन्म और उसके कर्मों को भी निर्धारित करता है। भगवान नित्यानंद कहा करते थे, मन है तो कोई व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य है, मन से परे चला जाए तो वह महात्मा बन जाता है, संत बन जाता है। जब मन स्थिर होता है तब परम पुरुष के दर्शन आत्मा के रूप में होते हैं। जिसका मन शांत और द्वेष रहित है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसकी बुद्धि इंद्रिय सुखों की कामना से विचलित नहीं होती, वह दुख मुक्त, शोक मुक्त, भय मुक्त होता है, वह निर्भय होकर इस संसार में विचरता है। मन मनुष्य को दो पूर्णतः विभिन्न मार्गों पर ले जा सकता है। अशुद्ध मन कुमार्गों, कुसंगों, कुकर्मों और कुविचारों की ओर और अंततः नरक तल तक ले जाता है। सुविचारी शुद्ध मन सद्गुणों के मार्ग की ओर, सत्संगति में सत्कर्मों की ओर और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री गुरुदेव कहा करते थे, तेरे राम तेरे मन के साक्षी हैं। परमात्मा की अनुभूति शुद्ध मन में ही होती है। इस अनुभूति को पाने के लिए मन को पूर्णतः शुद्ध रखो। अपने कार्य का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में मैं मन हूँ। मन के साक्षी रूप में भासने वाला वह चैतन्य ही परमात्मा है। यह जानते हुए मन का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, मन को समस्त सांसारिक भोगों से निरपेक्ष कर लो, मन को गुरुमय यानी नित्यानंदमय बना लो, एकाग्रता से गुरु की आराधना करो, उनकी पूजा करो। इस पूजा से मन शुद्ध हो जाएगा। मन के शुद्ध होते ही यह जगत आत्म रूप में प्रतीत होगा और सभी जीवों के प्रति प्रेम उदित होगा। तुम्हें अनुभूति होगी, श्री नित्यानंद मुझ में है और मैं नित्यानंद में हूँ। यह अनुभूति तपस्या का फल है, यही मोक्ष है और यह ईश कृपा से आती है। श्री गुरुदेव के निर्देश का दूसरा पक्ष है शुद्ध भाव, अर्थात समदृष्टि तथा हृदय की निर्मलता। मनुष्य अपनी भावना के अनुसार ही बन जाता है। अशुद्ध वृत्तियों से क्रोध, घृणा, अज्ञान, मोह, आलस्य तथा लापरवाही आदि उत्पन्न होते हैं। फिर मनुष्य को दूसरों को छलने, उनका अपमान करने तथा उन्हें पीड़ा पहुंचाने में आनंद आने लगता है। वह रजोगुणों से प्रभावित रहता है
और उसमें लोभ बढ़ जाता है। रजोगुण के बढ़ने के साथ साथ विषय भोग की लालसा और प्रबल हो जाती है। अपनी स्वार्थ में इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए ऐसा व्यक्ति पाप भी कर डालेगा। उसके अशुद्ध भाव उसे अंधा बना देते हैं, जिससे कि वह इस जगत में व्याप्त नित्य परमेश्वर की ओर देख नहीं पाता। इस प्रकार उसका अधपतन होता जाता है और उसका जीवन नितांत दुखमय बन जाता है। इसलिए श्री गुरुदेव हमें सदैव शुद्ध भाव का विकास करने का उपदेश देते थे। हे मेरे प्रियजनों, श्री गुरुदेव की शिक्षा को हृदय संगम कर लो, अपने भावों को शुद्ध कर लो। शुद्ध भाव से परमात्मा सर्वत्र दृष्टिगोचर हो सकता है। शुद्ध भाव से मानव दिव्य बन जाता है और अन्य लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होते हैं।